हेलो गाइस, आपका भाई एक और टिकटॉक ट्रेंडिंग वीडियो आपके सामने लेकर आ गया जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, ब्यूटी खान वाला। तो गाइस, आप तो जानते हो टिकटॉक पर ब्यूटी खान बहुत ज़्यादा वायरल है, तो क्या पता आपका भी वीडियो इसके साथ ये वायरल हो जाए गाइस। तो ठीक है गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो को कैसे एडिट करना है और परफेक्ट तरीके से हमें इस वीडियो को बनाना है ताकि हमारा वीडियो भी वायरल हो टिकटॉक पर। तो ठीक है गाइस, मैंने अपना काइन मास्टर ओपन कर रखा है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और 9.16 वाले रेशियो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइस हमारे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फिर हमें गाइस क्या करना है, हमें इस मीडिया वाले ऑप्शन पर जाना है और गाइस हमें एक वो ब्यूटी खान वाला वीडियो ले लेना है। मैंने इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इसको डाउनलोड कर लेना। बस गाइस वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना, तभी आप परफेक्ट तरीके से बना पाओगे। और अगर भाई का वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद हमें गाइस क्या करना है, फिर से हमें मीडिया में जाना है और हमें एक वीडियो ले लेना है जो हमने शूटिंग किया है। तो गाइस इस साउंड पर मैंने ये वीडियो शूट कर लिया है, मैंने ये वीडियो ले लिया है। तो गाइस हम इस वीडियो के एक्स्ट्रा पार्ट है तो वो काट लेते हैं कुछ इस तरह से। तो हम जैसे यहाँ नीचे से उठते हैं ऊपर की ओर, जैसे हम इस तरह से ऊपर उठे, वहाँ पर हमें इस हमारे वाले वीडियो पर क्लिक करना है और कैंची वाले ऑप्शन पर जाना है और ट्रिम टू लैपटॉप प्लेहिड कर देना है। उसके बाद गाइस हमें लाइट के निशान पर क्लिक कर देना है। तो गाइस मैंने जो ये मेरा वाला वीडियो है जो मैंने अपने कैमरे से स्लो मोशन बनाया है, और आप भी अगर आपके बैक कैमरे में स्लो मोशन हो तो आप बैक कैमरे से स्लो मोशन वीडियो बनाकर इसको यहाँ पर सेट कर लेना। और अगर आपके मोबाइल के बैक कैमरे में स्लो मो नहीं है तो हमें यहाँ से काइन मास्टर में भी लगा सकते हैं। तो पहले गाइस हम देखते हैं हमारा वीडियो परफेक्ट बना है कि नहीं। तो इसके लिए हमें शुरुआत में आना होगा और वीडियो को एक बार चला के देखना होगा। तो देखा गाइस हमारा वीडियो परफेक्ट बना है, तो मैंने इसमें स्लो मो भी रखा है। इसके बाद गाइस हमें क्या करना है, हमारे वाले वीडियो को अगर थोड़ा कलर भी अगर हमें थोड़ा एडजस्टमेंट करना है तो वो आप भी कर सकते हो, मैं थोड़ा कर लेता हूँ। जैसे आपको जो ये दिख रहा है एडजस्टमेंट, इस पर क्लिक करके तो इसको हम जो भी ये तीनों दिख रही हैं हमें, इसको कम ज़्यादा करके हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह। जैसे आप देखो हमारा बैकग्राउंड है जो फुल ब्लैक दिखने लगा है, तो मैं इस तरह से इसको सेट कर लिया हूँ। इसके बाद गाइस हमें राइट के निशान पर क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइस हमें क्या करना, हमारे वीडियो को थोड़ा फुल स्क्रीन करना है, तो इसके लिए तो हमें हमारे वाले वीडियो पर क्लिक करना है और आपको जो ये बीच वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है, और आपको जो ये ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर ऐसे अपने वीडियो को थोड़ा फुल स्क्रीन ऐसे कर लेना, जैसे बस इतना ही। तो गाइस हमें इसके बाद हमारे वीडियो को थोड़ा एक बार चला के देख लेते हैं कैसा बना है। तो ठीक है गाइस, हमारा वीडियो परफेक्ट है। इसके बाद गाइस हमें क्या करना है, इस वीडियो पर हमें साउंड ऐड करना है, तो मैंने वो साउंड ले रखा है। इसके लिए मैं पहले लेयर पर जाता हूँ और वो वीडियो ले लेता हूँ जो इस पर साउंड हमें लगाना है। तो लेयर पर जाने के बाद हमें मीडिया पर क्लिक करना है और वो वाला साउंड मैं ले रहा हूँ। और गाइस इस साउंड का लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से इस साउंड पर जाकर ही वीडियो अपना बनाकर अपलोड करना ताकि हमारा भी वीडियो वायरल होने का चांसेस ज़्यादा बने। तो ठीक है गाइस, हमें इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आना है और आपको जो ये ऑप्शन दिख रहा है एक्सट्रैक्ट ऑडियो, इस पर क्लिक कर देना है ताकि हमारे इस वीडियो का साउंड आ जाएगा। इस वीडियो की हमें ज़रूरत नहीं है तो इसे हम कर देते हैं डिलीट। तो इसके बाद गाइस हमें एक बार चला के देख लेना है कि हमारी वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है तो उसको हम डिलीट कर देते हैं। तो पहले हम चला के देखते हैं हमारी वीडियो को। तो गाइस वीडियो तो हमारा परफेक्ट बना है, हमें अभी एक चीज़ और ऐड करनी है। तो गाइस हमारे इस वीडियो का बस इतना ही काम है, जैसे इतना। इसके लिए गाइस हमें क्या करना है, हमारे इस वीडियो पर क्लिक करना है और कैंची वाले ऑप्शन पर जाना है और ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड कर देना है ताकि हमारा वीडियो जितना साउंड है उतना ही बने। उसके बाद हमें इस साउंड को भी ऐसे ही काट लेना है जैसे पहले हमारी वीडियो काटा था। कैंची पर जाना है और हमें इस ऑडियो को ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड कर देना है। इसके बाद गाइस हमें यहाँ पर एक धुएं वाला इफेक्ट लगाना है ताकि उससे वीडियो हमारा बहुत ही शानदार लगेगा, और उस धुएं वाले इफेक्ट को हमें ले रहा हूँ। तो इसके लिए गाइस हमें क्या करना है, हमारी वीडियो पर ही वो लगेगा तो इतना। तो इसके लिए गाइस हमें क्या करना है, फिर से हमें लेयर पर जाना है
मीडिया में जाना है और हमें उस धुएं वाले इफ़ेक्ट को ले लेना है। इस धुएं वाले इफ़ेक्ट का भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। इसके बाद गाइस हमें क्या करना है, इस धुएं वाले इफ़ेक्ट को यहां से क्लिक करके इस तरह से हमें रोटेट कर लेना है और ऐसे हमें फुल स्क्रीन पर जूम कर लेना जितनी हमारी स्क्रीन हो, तो हम इसको इतना रख लेते हैं। इसके बाद गाइस हमें क्या करना है, राइट के निशान पर क्लिक करना है और जो हमारा वीडियो है उतना ही इस इफेक्ट को रखते हैं। तो इसके लिए हमें अब हमारे इफेक्ट वाले वीडियो पर क्लिक करना है, पेंची वाले ऑप्शन पर जाना है और ट्रिम टू राइट और प्ले हिट कर देना है। तो ठीक है गाइस, फिर हमें क्या करना है, इस इफेक्ट वाले पर क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल करना है और ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको ब्लेंडिंग वाला, इस पर क्लिक करके और ये आपको जो ये ऑप्शन दिख रहा है स्क्रीन वाला, इस पर क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरह से हमारा ये वीडियो दिखने लगेगा। इसके बाद गाइस हमारा वीडियो हो गया कंप्लीट, एक बार चला के देख लेते हैं। और गाइस अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो हमारा कैसा लगा आपको, और आप ये भी बता देना कि आपको किस प्रकार के वीडियो के ट्यूटोरियल चाहिए जो आपको नहीं आती। तो पहले हम हमारी वीडियो को चला के देखते हैं कि हमारा वीडियो कैसा बना है। तो गाइस आपने देखा हमारा वीडियो कितना शानदार बना है। तो ठीक है गाइस, इसके बाद इस वीडियो को हमें अपनी गैलरी में सेव करना है। तो सेव करने के लिए गाइस हमें क्या करना है, इस शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको यहां पर एक्सपोर्ट कर लेना है। तो मैं 1000 रेसिपी में एक्सपोर्ट कर रहा हूं। तो फिर मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में गाइस।